तुमको ब्रा पैंटी में देखना है। अच्छा हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का मीठा वाला प्रणाम। रतन राजपूत अपने कमेंट्स बॉक्स में गई और उन्हें वहाँ इतनी कड़वी कड़वी बातें देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि उन्होंने सोचा कि उन्हें थोड़ा मीठा बना लिया जाए। आपके कड़वे कमेंट के रिप्लाई में सबसे पहले है ये मीठा जो कि घर पर बनाया गया है और बहुत हेल्दी है। तो मैं सोच रही हूँ आप चाहे मुझे जो दो, गालियाँ दो, सजेशन दो या फिर नफरत दो, मैं आपको स्माइल और मीठा ही दूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, आज यार ये नारियल गिरा हुआ है, मुझे इसको ना वेस्ट नहीं करना, फर्श साफ है यार। अब लिखो मेरे कमेंट बॉक्स में, अनहाइजीनिक रतन, बचपन में ये सब नहीं किया तो बचपन क्या जिया मेरे दोस्त। तुम मुझे नफरत दो, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, आह क्या स्लोगन बनाया है मैंने। बाय द वे ये जो मीठा है ना, ये खुशी में है और खुशी ये है कि मैं आज आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ, इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। अच्छा सुनो, ओहो इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ, बहुत इजी है, हेल्दी है और आपके जो मीठे की क्रेविंग होती है ना वो इससे दूर हो जाने वाली है। जो खाने के बाद हम मार्केट से लाकर मिठाई और चॉकलेट रखते हैं फ्रिज में और खाते रहते हैं, वो आप इससे दूर कर सकते हो। और ये सीक्रेट मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, यस माय उड़िया फ्रेंड, और ये हेल्दी है बिकॉज शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। एक काम करते हैं, मैं पहले चबा लूँ, ख़त्म नहीं हो रहा मुँह में, बहुत कबर कबर। मैं पहले प्रिपरेशन बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स। बहुत कम चीज़ों में ये बन सकता है लेकिन आप इम्प्रोवाइज करने के लिए इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके तो हम बनाना शुरू करते हैं। क्या यार मुझे इसका ना नाम नहीं पता है, गुड़ घी, हम लोग तो इसमें गुड़ घी ही कहते हैं लेकिन अब इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड करने लगे हैं टेस्ट के लिए और थोड़ा हेल्थ के लिए, तो इसका नाम कुछ रखें। हाँ इसका नाम रखते हैं, आप लोग बताओ कमेंट में कि इसका नाम क्या रखें। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे गुड़, गुड़ के साथ डाला है मैंने थोड़ा सा अदरक कट करके, कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा चिया सीड, आलमंड और शुद्ध गाय का देसी घी। अब हम इसे 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए डालेंगे माइक्रो में और वेट करेंगे मेल्ट होने का ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। और इधर हम कट करेंगे हमारे कोकोनट को। पता है ये ना अब डाइटिशियन अपने डाइट में बताने लगे हैं कि आफ्टर मील आप गुड़ और देसी घी लीजिए, कभी उसमें चिया सीड डालिए, कभी उसमें यस आई नो आती हूँ, ये सारा कुछ खाने के लिए अब सजेस्ट किया जाता है जबकि पहले दादी और नानी ये हमेशा खाने के बाद गुड़ घी खिलाती थी। पता है क्यों? क्योंकि गुड़ घी का कॉम्बिनेशन हमें डाइजेशन में हेल्प करता है प्लस वेट लॉस में भी वर्क करता है। जी हाँ, घी हमेशा ऐसा लगता है कि अरे यार वेट लॉस करना है घी को कट कर दो, जी नहीं, गाय का देसी घी, हाँ रिमेम्बर गाय का देसी घी बहुत फ़ायदा करता है वेट लॉस में। और ये कुछ ऐसा है और हम इसमें डालेंगे कटे हुए नारियल को जो कि हमारे चम्मच का भी काम करेगा और इसको करेंगे मिक्स और इसे ज़्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, इसे गरम गरम ही खाएंगे वरना ये जम जाएगा और जम गया तो फिर प्लेट में जमा रह जाएगा, आपके मुंह में नहीं आएगा। भुना हुआ मूंगफली डाल सकते हैं, कभी काजू ऐड कर सकते हैं, कभी बादाम कर सकते हैं। ओह जिंजर का टेस्ट अमेजिंग लग रहा है यार। कहते हैं
पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, डाइजेशन के लिए भी, और जो मीठे की जो क्रेविंग होती है ना पूरे पूरे दिन, हमें कई बार गौर किया है कि हमें चाय इसलिए पीने का मन करता है क्योंकि मीठा खाने का मन कर रहा है, जबकि हमारा चाय का ऐसा कुछ चसक नहीं लगती। ये जब आप खाएंगे तो आपकी चाय की चास थोड़ी कम हो जाएगी और मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाएगी। अच्छा चलो, हम कमेंट पे भी बात करने वाले हैं, तो मीठा खाते खाते कमेंट को हम करते हैं अटेंड। आओ, यस, इसका बस यही एक साइड इफेक्ट है कि अगर आपने इसको ठंडा कर दिया तो फिर आपको इसे ऐसे निकालना पड़ेगा खाने के लिए। बचपन में याद है गट्टा हम लोग खाते थे, वो ऐसे गुड़ का ऐसे लपेट करके वो बेचता था सड़क पे, वैसा कुछ हो जाएगा कड़क सा, फिर भी टेस्ट लगता। आप चाहे तो इसमें कभी अदरक डालो, कभी मत डालो, कभी इलायची डालो, कैसे भी बना लो। गुड़ घी की गांव वाली मिठाई है ये। ओके जी, तो अब हम करेंगे बातचीत नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन, और साथ में खाएंगे कचालू। गुड़ घी निकलते निकलते कचालू नहीं बना है, गुड़ घी खा चुकी, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ चुकी, थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ चुकी, फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली, और फिर मैंने शाम को बनाया है अपने लिए कच्चा आलू और रोस्टी। कुछ लोग को याद आएगा जो बिहार में है, उनको ज़रूर याद आएगा कि स्कूल के बाहर ठेले पर ये कितना बिकता था ना, उबला आलू, कभी कभी टमाटर, उसमें इमली का पानी, जीरे धनिया का पाउडर और मिर्च पाउडर, और साथ में होता था उनका गंदा हाथ जो वो वॉश भी नहीं करते थे, ऐसे ऐसे मिक्स करते थे, और हम लोग क्या खाते थे पत्ते के ऊपर, उफ क्या दिन होते थे यार। तो शुरू करते हैं, ठीक से साड़ी पहनो, ब्लाउज ओ माय गॉड कुछ ढोंग सा पहनो, ढोंग ढंग सा पहनो। कौन है भाई? गीता जी, मैडम जी, पहले ढंग से लिखो ना, फिर मैं ढंग से पहनूंगी, ढोंगी इंसान। कुछ नहीं लिखने को मिलता है तो ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हो, डोंट चेंज हाउस, योर हाउस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, मुझे भी ऐसे ही लगता है, एंड आई लव वॉच यू इन योर हाउस, हाय थैंक यू सो मच सदाव, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, और मैंने बड़े ही प्यार से अपने घर को बनाया। जब मैंने ये घर खरीदा था तो मुझे जल्दबाजी नहीं थी घर को बनाने की, मुझे लग रहा था मैं सुंदर से सिंपल तरीके से धीरे धीरे घर बनाऊंगी। इस घर का इंटीरियर श्वेता क्वात्रा ने किया है बाय द वे, मानव गोहिल की वाइफ, शी इज़ टू गुड। और बाय द वे मैं कोई घर वर चेंज नहीं करी क्योंकि शो में हमारा ट्रैक ओवर हो चुका है, थैंक गॉड मैंने घर चेंज नहीं किया था, अदरवाइज मैं तो। आज मेरी शादी है, कौन है? राहुल, कब शादी है आपकी? अच्छा, 1 वीक पहले आपकी शादी थी, ओहो आई एम सो सॉरी, मैं मिस कर गई आपकी शादी। एनीवेज आज मेरी शादी है, बट फिर भी आपका व्लॉग देखना क्या है देखना नहीं भूल रहा हूँ, रसम चल रही है और आपका व्लॉग भी, ओ गॉड थैंक यू सो मच राहुल, लव अ लॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, काश मैं आपकी शादी देख पाती। ये चीटिंग नहीं है? आप तो मुझे देख सकते हो पर मैं आप लोगों को नहीं देख सकती हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो तो क्या कैसी शक्ल होती है, क्या क्या कर रहे होते हो उस टाइम पे, चाय पीते हुए खाते हुए कैसे देख रहे हो? आलम, आई एम अ डिप्रेस्ड, आई एम सो सॉरी, आई कैन सी डिप्रेशन ऑन योर फेस क्लियरली, बी स्ट्रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड लाइफ, वी हैव लिव टिल लेट लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आलम, बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड। एक टायर्डनेस भी चीज़ होती है जो इंसान 18-19 घंटे एवरी डे शूट करेगा, कभी करके देखना, शूट नहीं सही आप काम करना, और अपने इमोशन के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देना, नहीं सोना, एक मशीन बन जाना, वो आपको टायर्ड कर देती है। तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये एग्जर्शन था। और एक चीज़ और है, अगर आप डिप्रेशन को समझ रहे हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो तो मैं आपको एक हेल्प कर सकती हूँ ये बताकर कि आप जिस मूड में रहते हो ना, आपको पूरी दुनिया उसी मूड में दिखती है। अगर आप हैप्पी हो तो आपको सब हैप्पी दिखेगा, अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आपको सब डिप्रेस्ड दिखेंगे। तो आप ऐसे ना देखें लोगों को, आप कोशिश करें कि दूसरों की हैप्पीनेस से आप भी हैप्पी हो सकें। अगर आप
सामने वाले को भी डिप्रेस फील करके आप वीडियो देख रहे हैं या उससे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप बाहर कैसे निकलोगे? इट्स ओके, डिप्रेशन ऐसे कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक सिचुएशन और ऐसे मूड होता है जिससे अप डाउन होता रहता है इंसान, आप क्विकली निकल जाओगे। आप मेरे वीडियोस देखा करो। वुड लाइक टू सी थ्री सिस्टर्स टुगेदर इन सम व्लॉग। सी कितना बात मानती हूँ मैं। जोशी जी, आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने, खुश? और वो व्लॉग करने में मुझे भी बहुत मजा आया। फिजा, आप डेली व्लॉग्स अपलोड किया करो, कोशिश तो करती हूँ यार। लव फ्रॉम पाकिस्तान। हे सीरियसली, बहुत कोशिश करती हूँ और उतना कोशिश करने के बाद मैं इतना कर पाती हूँ। बिटिया, आप मोटी नहीं हुई हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच आंटी। मंजू आंटी, माओ को बेटियाँ ना कभी मोटी नहीं लगती, हमेशा लगता है अच्छी तो लग रही है, प्यारी तो लग रही है, ये माँ की नज़र है। आलम, रतन आप अब शादी कर लीजिए प्लीज़, अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत आपके फेस पर डिप्रेशन शो करता है। अरे हाय, अरे आलम जी, वो टायर्डनेस है यार, वो डिप्रेशन नहीं है। और डिप्रेशन में अगर शादी की ना तो सोचो सामने वाले का क्या होगा। ऑलमोस्ट स्टाइल ओके, माय मॉम विल अटैक यू, शी वॉचेज योर कुकिंग वीडियोज। हे, मैंने इतना बुरा खाना नहीं बनाया था। मॉम को बोलना बनाए और तुमको खिलाए, फिर देखना क्या रिएक्शन आता है। यू आर द बेस्ट एंड क्यूटेस्ट व्लॉगर एवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे खुशी होती है यार, मैं व्लॉगर सुनकर ना बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि अब तक मैं एक्टर थी। एक्टर के अलावा मैं कुछ सोचा नहीं था कि मैं कभी बन पाऊंगी, इवन एक्टर भी बनूंगी ये भी नहीं सोचा था, बन गई। अब मैं व्लॉगर भी हूँ। बिगिन इश्यू, बिगिन इश्यू ओके, टू पीस ओनली जी, कुछ कपड़े भी पहन लिया करो। हैं कनीज की आरजुएं कुछ ज़्यादा नहीं पड़ गई हैं? आपको शॉर्ट्स और टॉप में ही काम चलाना पड़ेगा मैडम पूजा। क्या बिगनी शूट करना है तो आप खुद को पहनो, मिरर में देखो, आप भी लड़की हो मैं भी लड़की हूँ, क्या क्या टेंशन क्या है यार। सुलेखा चटर्जी जी, तुम पागलपंती करना बंद करो। क्यों बंद करो? तुम बंद करो यार अपनी पागलपंती। तुम लोगों ने ना पागलपंती करना सीखा ही नहीं है। दिस इज मैडनेस, किसी के वॉल पे जाकर ऐसी चीजें लिखना, तुम्हारी पागलपंती दिखा रहा है। इतना क्यूट ड्रेस है आपकी, एनीथिंग यू वेयर लुक्स गुड ऑन यू। धन्यवाद जी, ये छोटे हाइट होने का फ़ायदा है, कुछ भी पहनो वो अच्छा लगता है, बल्गर नहीं लगता। लाइक उर्मिला मातोंडकर, श्वेता जी दी, आपके सभी व्लॉग में कपड़े बहुत मस्त होते हैं, आई लाइक इट। आई हाय, थैंक यू श्वेता। समटाइम्स यू आर अ ड्रामा क्वीन। है समटाइम आई एम अ ड्रामा क्वीन? बेटा मैं तो हमेशा ड्रामा क्वीन रहती हूँ, कब मिस हो गया वो ड्रामा मुझसे। देसी किचन, रतन जी यू आर सो काइंड एंड डाउन टू अर्थ, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम पेरिस फ्रांस। ओ मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रांस में बैठा बैठा कोई यहाँ का व्लॉग देख रहा है और मैं एक दिन फ्रांस देखना चाहती हूँ। कौन कहता है शॉर्ट गर्ल्स कांट क्रिएट अ स्टाइल, आई लाइक योर ड्रेसिंग स्टाइल। थैंक यू सो मच पूजा। हाँ यार ये सच है, शॉर्ट हाइट पे लोग बड़ा ही बोल देते हैं कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया, स्टाइलिंग कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन। और हम कितने फ्री होते हैं ना, वी कैन वेयर एनीथिंग, कुछ भी वल्गर नहीं लगता। हाँ अब वल्गर उनको लग सकता है जिनकी आंखें ही वल्गर है ना, उनको कुछ भी वल्गर लगेगा। क्या आप सिर्फ शॉर्ट्स में ही कंफर्टेबल रहती हैं, पूरे कपड़े में नहीं हैं? ऐसा मैंने कब कहा? ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं सुन लेते हो आप लोग? कुछ ज़्यादा ही शोर कर रहे हो, कोई सेंस की बात भी कर लो। अरे यार सेंस की बात करो तो आपको बोरियत होती है, शोर करो तो आपको शोर लगता है। यार मेरी लाइफ है, मेरा जब मन करेगा शोर करने का मैं करूँगी, आप क्यों देखते हो? मत सुनो ना, कान पे ढक्कन लगा लो। हमें आपको फिर से संतोषी सीरियल में देखना है, प्लीज़ वापस आ जाओ। सच में यार आप लोग बोलो, मैंने तो कहा था हड़ताल पे जाओ, स्ट्राइक कर दो प्रोडक्शन वाले, यू नो। इतनी ही कहानी थी देवी उषमा की बाय द वे, सो इसलिए जैक ओवर। हम नेक्स्ट किसी शो में मिलेंगे आपको, तब पक्का देखना। हाँ मैं जहाँ भी दिखूँ बस देख लेना। मैम थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड मेकिंग व्लॉग। मैम यू नो
When is my happiest day? When I see your new video. I eagerly wait for your video. Thank you so much, Anu. Please make some or the other vlogs every day. यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग्स एवरी डे बना सकूँ, लेकिन somehow चूक जाती हूँ. कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा होता है कि मैं कैमरा लगाना भूल जाती हूँ. रेखा रेखा शर्म कर लो मैडम, पहले ढंग की ड्रेस डालना सीख लो. है मैं नहीं सीखूंगी, अपनी बेटी को सिखा. ओके तब ही क्या है आगे आओगे. बिहार को बदनाम मत करो, लिमिट से रहो वरना नीचे आ जाओगी. बेटा ये रेखा रेखा जी आप तो बड़े ही रेखा के अंदर रहो ना, आप क्यों रेखा रांग रहे हो अपने. मतलब एक रेखा होती है यार कुछ भी बोलने की, आप तो लिमिट ही क्रॉस कर गए. वो हाँ भारत में एक कहावत है, उंगली पकड़ने को दो तो लोग पहुँचा पकड़ते हैं, मतलब कलाई पकड़ते हैं. ये हमारी रेखा जी कर रही हैं. अरे बेशरम औरत तुम कौन, बिहार का नाम तुमने कुछ भी एक चुटकी का भी कोई उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है नहीं दिया है ना, तो मुझे कैसे कह रहे हो कि मैं बिहार को बदनाम कर दूंगी. क्या मैंने अकेले के ठेका ले रखा है बिहार का नाम आबाद और बर्बाद करने के लिए. वाओ हाय रतन, योर बॉन्डिंग विद योर सिस्टर अमेजिंग है ना, सच में बहुत ही अमेजिंग बॉन्डिंग है. और ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती, ऐसा नहीं कि मैं डांट नहीं पिटती, मुझे बहुत डांट खाती हूँ, पर वो बॉन्डिंग अच्छी है इसलिए ऐसा होता है. वाई सो मच ओवर एक्टिंग, यू कैन टॉक नॉर्मली. ओह माई कीज, ओह दिस, ओह दैट, सो मच ड्रामा. अरे यार कितने ढीठ हो ना तुम लोग. मिनी देखो, मिनी मिनी का मतलब होता है छोटा, छोटी सोच और छोटे लोगों के लिए हमारा व्लॉग नहीं है. मत आओ हमारे यूट्यूब चैनल पर, तुम्हें पता है ना कि इसमें सिर्फ ड्रामा करेगी रतन. ओ माई दिस, ओ दिस, ओ दैट, ओ वो, ओ ओ ओ ओ, तो मत आओ ना. लवली फैमिली आई लव यू अ लॉट, यू आर जस्ट लाइक वन स्क्विरल. स्क्विरल मेरी फेवरेट है. मतलब पटना में छत पर बहुत गिलहरियाँ आती हैं, और मेरी मॉम से कभी पूछना कि मेरे घर पे गिलहरी का हुरदंग मचा रहता है, कोई नहीं उसकी पिटाई कर सकता है, उसको कोई नहीं बाहर निकाल सकता है, क्योंकि स्क्विरल को मैं अपनी बेटी कहती हूँ. मैंने माँ को कहा है कि वो तुम्हारी नतनी है, उसको कभी नहीं भूखा भेजना, उसको खिलाना. और स्क्विरल हमारे छत पर बहुत आतंक मचाती है. तुम्हार बांग्ला परिवार को भालो, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद. स्कूल में पत्ते चाटती थी, यहाँ कटोरी चाटती हूँ. आई नो दिस इज बैड मैनर. स्टे विथ माही, वाओ दी आज का व्लॉग सबसे मस्त था, थैंक यू. आप अकेले रहते हो इसलिए शांत रहते हो, आप तो बहुत क्यूट हो, आप प्लीज शादी कर लो प्लीज, फिर और मजा आएगा. ए कौन है ये माही, तुम्हारे मजे के लिए तुम मेरी शादी करा दोगी है. हाँ यार शादी कर लूंगी तो व्लॉगिंग में बड़ा मजा आएगा, कोई पार्टनर होगा, फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो भी कुछ बोलेगा, फिर मैं भी कुछ बोलूँगी, फिर ऐसे बोलते बोलते हमारी लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई होगी तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, फिर वही बोलेगा, फिर भी व्लॉग बनता रहेगा. क्या स्टोरी है यार, मैं सोचूंगी शादी के बारे में. मैम मैं नो, तो आपने शादी क्यों नहीं की, दैट शो वॉज ओनली फॉर मनी और यू वॉन्ट सीरियसली अ पार्टनर. यार शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है, पर इतने स्ट्रेटली तो मेरे पापा ने भी मुझसे नहीं पूछा, मेरी मॉम ने भी नहीं, इनफैक्ट मेरी फैमिली में किसी ने नहीं. ये आप लोग ही हो सड़क चलते लोग और ऐसे व्लॉगर्स और ऐसे वाले लोग जो ऐसे अक्खर पूछते हो. आपने शादी पैसे के लिए की या क्या था, दैट शो वॉज ओनली फॉर मनी. यार शो है तो पैसा मिलेगा ना, चैरिटी थोड़ी है, शो है. अगर आप भी आओगे, जुमा जुमा आपको दो दिन भी नहीं हुआ है, अगर आप पासिंग शॉट भी दोगे ना तो यू विल चार्ज. मेरे ऊपर वो शो था, आई वॉज द फेस, मैं चार्ज कैसे नहीं करूँगी. एंड आई चार्ज बॉम्ब, ऑफकोर्स क्यों नहीं चार्ज करूँगी. आप पीक पे हो, आपका टाइम है, आप अर्न करोगे ना अपने नाम को, आपको आप नहीं समझोगे क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से नहीं हो, इसलिए आप लोग इतने ब्लंटली बोलते हो.
जब यहाँ होगे इन एंड आउट जानोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और सीरियसली पार्टनर ढूंढना था तभी स्वयंवर जैसा शो किया। अब देखो मेरे घर वाले अगर रिश्ता लाते तो 5-6 रिश्ते लाते। आप भी अपने घर में बेटी या बहन के लिए होता है, आप एक ही जगह जाकर तो रिश्ता नहीं चुन लेते हो। 10 जगह से लोग सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि अरे आपकी बेटी शादी के लिए अच्छा लड़का मिल रहा है, इससे मिलो, इससे डेट करो। लड़कियाँ आजकल जाती भी हैं डेट करने। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जिसको डेट किया उसी से शादी कर लोगे। कई चीज़ें होती हैं क्लिक नहीं करती हैं, मेरी भी नहीं की। तो पैसा और पार्टनरशिप और सीरियस और फेक को मत कंफ्यूज मत हो। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करते हो, बहुत नकली एंड इररिलेवेंट। स्वयंवर का व्लॉग बना के कुछ भी उल्टा सीधा बता रहे हो। कौन है भाई? भानु मोंद्रा। भाई आप मोंद्रा जी जो भी हो, ये उल्टा सीधा बोलने का मतलब आपने कैसे सोच लिया कि आप सीधा बोल रहे हो? स्वयंवर मेरा, फीलिंग मेरी, कह मैं रही हूँ, आप कैसे समझ लिए कि मैं उल्टा सीधा कह रही हूँ? कुछ लोगों को, मुझे पता है मैं इस पे जानती हूँ ज़्यादा क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं बोलूँगी ही नहीं ज़्यादा इस टॉपिक पे। स्वयंवर वॉज ड्रामा। हाँ ड्रामा तो था, टीवी पर जो कुछ भी आता है वो ड्रामा होता है। बिग बॉस ड्रामा है, स्वयंवर ड्रामा है, संतोषी माँ ड्रामा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही फेस बनाया है, दो आंसू भी निकल रहे थे पर मैं निकाल नहीं सकती, अभी मूड नहीं है। शो करके सबको उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। अरे यार आप लोग जैसे लोग उल्लू बनते क्यों हो? समझदार हो ना, क्यों बने उल्लू? मत बनो। डियर रतन, नो वन इज दैट इनोसेंट, वी ऑल नो इट वॉज जस्ट फॉर मनी एंड फेम। ओनली राहुल गॉट मैरिड एंड Divorced in 1 year too. Take care but don't lie. यार तुम लोग हो कौन जिसको मैं झूठ बोलूँगी? मतलब मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है झूठ बोलने की? जब मैं सीना ठोक कर स्वयंवर कर सकती हूँ तो क्या मैं उसके लिए मतलब झूठ बोलूँगी? अरे दुनिया के सामने किया यार, पैसा लिया है, क्यों नहीं लूँगी? तुम लोग जाकर अगर जॉब करते हो अपने काम का पैसा लेते हो या नहीं लेते हो? मेरे लिए वो काम भी था। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सफाई देने वाली हूँ बॉस। पार्ट टू में भी अगर मैं बात करूंगी तो मैं बात करूंगी, मैं कोई आंसरेबल नहीं हूँ आप लोगों के लिए। ओके जबरदस्ती का वीडियो, हाय जबरदस्ती का कमेंट। पूजा रानी, यार इसका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड शी विल डू सो ओवर एक्टिंग, डू नेचुरल थिंग्स प्लीज। मुझे स्वयंवर की पूरी स्टोरी जाननी है और ये भी जानना है कि अभिनव से ब्रेकअप क्यों हुआ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो शेयर कीजिए प्लीज़। सी मुनी, आपने जो बोला है ना, इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन, ये कोई थोपा हुआ चीज़ नहीं है। एंड विल टॉक अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते, बट लिखने का एक तमीज़ होता है, बात करने का जैसे तमीज़ होता है लिखने का भी होता है। पूरी स्टोरी देखो 3 महीने की स्टोरी थी, वो 3 महीने को कवर कर पाना अपने यूट्यूब पे बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ उसी पर बात करें तो फिर थोड़ा सुन ही रहे हो, इतने पे ही तो इतना ड्रामा 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 फेक फेक चल रहा है। मैं कुछ भी कह लूँ, आप लोगों ने दिमाग पे एक बटन दबा दिया है, वो है फेक का। तो इसलिए मुझे कभी कभी लगता है मुझे बात ही नहीं करनी। जब हर चीज़ का एंड फेक ही होना है तो रहो उस ड्रीम में, फेक था। यस जो सोचना है सोचो, लेकिन मोनी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। पायल, इट सीम्स लाइक शी इज using this topic swamber to keep engagement in videos. Nice trick. जितनी दिखती हो इतनी भोली नहीं हो मैडम। मैं भोली दिखती हूँ क्या? इसकी बातों में कुछ लॉजिक नहीं है। तुम्हारी बात तो बहुत लॉजिकल है मैडम। हेमा मालिनी की तरह आवाज निकालती है, हाय हाय क्या कमाल की आपकी पारखी नजर, पारखी कान। ओह ये इंटरेस्टिंग है। एक जगह टेक से बैठ नहीं, एक जगह टेक से बस टॉपिक छोड़कर दूसरा बात करती है, उसमें लॉजिक है नहीं है। ऐसा है कि आप बहुत ज्ञानी हैं,
आपको रिसर्चर बनना चाहिए क्योंकि आपने बहुत रिसर्च किया है. आप जब लिखें तो उसमें थोड़ा लॉजिक लगाएं क्योंकि आपकी कमेंट को पढ़ने के लिए हमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ रहा है. टाइटल ही गलत है, खाली स्वयंवर का नाम ही लिया, पूरा व्लॉग बना दिया ऐसा वाला. यार टाइटल गलत नहीं है, स्वयंवर पे चर्चा की है, पार्ट वन लिखा है, हम करेंगे उस पर बात. विवेक कुमार, यार पता है कभी कभी क्या लगता है, इतने इल्ज़ाम लगाते हो ना, जैसे लगता है मैं कोर्ट रूम में मैं कोर्ट में कटघरे में खड़ी हूँ और कोई अपराध कर दिया हो व्लॉग्स बना करके. यार इन्जॉय करने के लिए बनाती हूँ, फ़न करो. और अगर टेंशन होता है व्लॉग्स को देख कर तो मत देखो, सीरियसली लाइफ में ऑलरेडी इतने टेंशन होंगे आप लोगों के. चाय ठंडी हो गई मेरी, एक मिनट. विवेक आपने बीच में ही छोड़ दिया स्वयंवर का डिस्कशन. हाँ यार टाइम का भी ध्यान देना पड़ता है ना, तुमको ब्रा पैंटी में देखना है. अच्छा भाई मुझको क्यों देखना है, तुम्हारे घर में माँ होगी, तुम्हारी बहन बेटी होगी, उसको देखो. और बहुत ज़्यादा अनजाने को देखने का शौक है तो मोहल्ले वल्ले में बोलकर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करो, दो चार चप्पल मुँह पर पड़ेगा ना ये शौक हट जाएगा. नजमा, व्हाट्स द पॉइंट वेयरिंग क्लोथ, बेशरम वुमेन हैं, बुरका पहन लो. मजा आया, खूब मजा आया, आपने भी अपनी कैथारसिस कर ली, मैंने वो आपको मौका दिया. लेकिन यार इससे ज्यादा नहीं, अपनी लाइफ में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीडम. उसको खरीदने की कोशिश मत करना भाइयों एवं बहनों, मैं आजाद हूँ, आपको भी आज़ादी से छोड़ती हूँ. दिल करे हमारा ब्लॉग देखो, मज़ा आता है सब्सक्राइब करो, नहीं मज़ा आता है डोंट कम इन माय यूट्यूब फैमिली. मेरी फैमिली छोटी रहे लेकिन सुंदर और साफ रहे. आज मैंने बहुत सारे कमेंट्स के जवाब दिए हैं और जवाब कम दे पाई हूँ, लेकिन बिलीव मी कमेंट्स मैंने सारे पढ़े हैं. और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच, मुझे एनकरेज करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए. और जो ऐसा लिखते हैं मैं सच बता रही हूँ, मैं एक चीज़ तो समझ जाती हूँ कि वो आप लोग ऐसे हो इसलिए ऐसा लिख रहे हो. आपकी अच्छाई आपके कमेंट्स में दिखती है और आपकी अच्छाई है जो आप मुझे वैसा देखते हो अपने जैसा, अच्छा सिंपल. और जो लोग बहुत ही गंद मचा रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ ही इतनी परेशानी से और इतनी गंदगी से भरी हुई है. उनकी सोच में उनकी परवरिश का सोचती हूँ कि क्या परवरिश है जो ऐसे आकर लिखते हैं यार यहाँ पे, ओपनली ब्रा पैंटी, ओपनली गंदी बात और ऐसे. यार क्या किस ज़माने पे, हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी ना तब शायद ऐसे लोगों को होना चाहिए था. अब जनरेशन चेंज हो गए हैं, अब वो कपड़े किस ढंग से पहनते हैं आप सड़क पर देखते हो. क्या आप ऐसे ऐसे कॉमेंट्स करते हो लोगों को, अगर शॉर्ट्स किसी ने पहना है, किसी ने अगर क्रॉप टॉप पहना है, कई लोग तो उनके घर में बच्चे वैसे पहन रहे होंगे लेकिन कुफ में होंगे. और एक चीज़ और सोचती हूँ कि ऐसे परिवार के औरतों या मर्दों के घर की बहू बेटियों को कितनी बंधन फेस करना पड़ता होगा, या वो क्या खुश होंगे, क्या उनके साथ ये ऐसे बिहेव करके कैसा कैसा होगा केमिस्ट्री. एनीवेज देखो, हमेशा अच्छा अच्छा देखने की कोशिश मत करो. अगर मेरी ड्रेसिंग स्टाइल ख़राब है तो ख़राब है यार, एक्सेप्ट इट, दैट्स मी. बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, अगर अब तक आप मुझे नहीं जान पाए हो तो आगे भी नहीं जान पाओगे, तो आप बंद करो मेरा वीडियोस देखना. लेकिन हाँ मैं वीडियोस बनाती रहूँगी उनके लिए जो हमारा वीडियो देखकर खुश होते हैं, उनकी पॉजिटिविटी बनती है और जो एक परिवार सा महसूस करते हैं, हमारी बॉन्डिंग हो गई है, तो वीडियो तो बनता रहेगा. व्लॉगिंग ऐसे ही चलती रहेगी और रतन नहीं बदलेगी. रतन ऐसी थी, रतन ऐसी है और रतन ऐसी ही रहेगी. तब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए राम राम, जय भारत, शब खैर. मेरे व्लॉग में अगर फ़ोन ना बजे तो व्लॉग कंप्लीट नहीं होता. थैंक यू यार, थैंक यू गाइज इतने सारे कमेंट्स के लिए. एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं और ऐसे ही पढ़ती रहूँगी. प्लीज़ डू राइट मी एंड लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी एंड शेयर माई वीडियोज़, शेयर. ये तो कभी बोला ही नहीं, तो मुझे आता ही नहीं है बोलना.